साफ सुथरे माहौल में घर में अपने हाथ से। अब मैं इस पे चांदी का वर्क लगा देता हूँ, ये मैंने चांदी का वर्क लगा दिया, तोड़ के भी दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली राव फूड्स। आज हम बना रहे हैं मावा गाजर बर्फी। गाजर का हलवा सर्दियों में बहुत ही खाया जाता है, तकरीबन हर घर में बनता है और बाजार से भी खाया जाता है। आज हम घर में बना रहे हैं बर्फी, गाजर मावा बर्फी घर में बनाएंगे, वो भी अपने स्टाइल में। तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है, ठीक है। और 1 किलो मैंने गाजर ले ली है और उसको क्रश कर लिया है, और वो मैं इसमें डाल के इसका कच्चापन दूर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। एक एक स्टेप देखते जाए, बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी बनने वाली है, समझे। आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह, इस तरीके से आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो। और 250 ग्राम मैंने इसके लिए चीनी ले ली है, दूध ले लिया है 1 किलो में। एक एक स्टेप में देखते जाएं कि मैं किस तरीके से ये बर्फ़ी बना रहा हूँ। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट तक इसका कच्चापन दूर किया, अब इसमें से भाप आना शुरू हो गई है, देख रहे हैं आप। इतना मुझे इसकी भुनाई करनी है और अभी 2-3 मिनट और मैं इसकी भुनाई करूँगा लो फ्लेम पर, फिर इसके बाद दूध डाल दूँगा मैं इसमें। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको, देखें इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें दूध मिलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह 1/2 लीटर दूध है, अभी 1/2 लीटर मैं अभी डाल रहा हूँ, 1/2 लीटर बाद में डालूँगा मैं। अब इसको हम गाजर को गलाने रखेंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको बॉईल के गाजर को गलाया, बकायदा दूध डाल दूँगा और इसको लो फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए, गाजर अब हमारी गल चुकी है, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा तेज़ कर दूँगा और इसका दूध खुशक करूँगा मैं। अब तो 10 मिनट तेज़ फ्लेम पे मैंने इसको भून लिया, देखिए इसकी ये कंडीशन हो गई है। मैंने अभी चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ दूध में मैंने इस गाजर को पकाया है, ठीक है। इस कंडीशन में ये आ चुका है, बिल्कुल दूध खुशक हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा अपनी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 250 ग्राम चीनी लिए, थोड़ी सी मैं बचा रहा हूँ, इसका मीठा चेक करेंगे, कहीं ज़्यादा गाजर अगर मीठी हो गई तो फिर ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हम बाद में भी चीनी डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये चीनी ने पानी अपना छोड़ा है ना, तो घबराना नहीं, इसको मैं पकाता रहूँगा। चूल्हा मेरा फुल है तो ये पानी टूट जाएगा और ये अपनी कंडीशन में दोबारा आ जाएगी, सख्त हो जाएगा, ये सब पानी जल जाएगा ये चीनी का। ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये इस कंडीशन में आ गया, पानी तकरीबन चीनी का अपना जल चुका है। और इसमें 1 चम्मच भर के ये खोया, होम मेड मेरा अपना बनाया हुआ खोया, ये इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच और ये इसमें मिक्स कर दूँगा। इसको इतना भूनना है तकरीबन, हमें देखें ये कढ़ाई छोड़ दे, देखें इसने अपनी कढ़ाई छोड़ दी है, इतनी बुनाई करी है मैंने इसकी कि कढ़ाई छोड़ दी है। अच्छा, चीनी मैंने 250 ग्राम ली थी, लेकिन चीनी इसमें 200 ग्राम ही लगी है, बाकी मीठा इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखें कढ़ाई छोड़ चुका है ये अब बिल्कुल। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। हमारी मावा बर्फी बिल्कुल देखें रेडी हो चुकी है, ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, देख रहे हैं कितनी अच्छी कंडीशन आ गई है इसकी, और ये अब बिल्कुल हाथ में नहीं चिपक रहा, देख रहे हैं ये गोली की शक्ल में बन गया, आराम से अब जम जाएगा। तो अब हम इसको आगे ट्रे में लगाते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने 4 दाने इलायची के पीस के डाल दिए हैं। ये ट्रे ले लिए मैंने, इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है, ठीक है ना। अब ट्रे के अंदर हम अपना ये गाजर इसमें डालेंगे, कलर नहीं डाला लेकिन इतना अच्छा कलर आ गया इसका, थोड़ा सा मैंने रोका है एक, ये मैंने देखे ट्रे में इससे ऐसे पूरा सेट कर लिया है, ठीक है। ये इतना गर्म हो, बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हाथ जलने का खतरा है, ठीक है ना, बिल्कुल। और मैं इसको तकरीबन जो है इसको 3 से 4 घंटे तक के लिए हवा में रखूँगा, या फ्रिज में रख दें आप, डी फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में इसको रख सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे बाद इसकी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊँगा, ठीक है।
अच्छा आप लहर जो है ये चाहे पतली बनाए चाहे मोटी बनाए, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं इसकी। अब मैं करूँगा इसकी गार्निशिंग, ये थोड़े से मैंने ये बादाम पिस्ते ले लिए, ये मैं इस पर डाल दूँगा। माशाल्लाह से अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी चीज़ें घर में बनाएं, इसका अगर खर्चे की बात करूँ तो मैं आखिर में आपको बताऊँगा कि इसमें कितना खर्चा आ रही है, कितनी रेट में तैयार हुई है और हम बाज़ार से किस रेट में ये खरीद कर खा रहे हैं साफ़ सुथरे माहौल में घर में अपने हाथ से। अब मैं इस पर चांदी का वर्क लगा देता हूँ, ये मैंने चांदी का वर्क लगा दिया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगा 3 से 4 घंटे बाद। अब मैं दूसरे तरीके की मावा बर्फी आप बताता हूँ, मैंने रखना नहीं रही। अब ये एक प्लेट ले ली, मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया है, जो मेरी गाजर बची हुई थी वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, को फैलाऊँगा इस चम्मच से, इसको ऐसे फैला लिया है। अब मैं इसके ऊपर मावा लगाऊंगा, ये मैंने इसमें बिल्कुल देखा सेट हो गया, ये इस पर मैं मावा लगाऊंगा। ये मावा आपके पास नहीं है, खोया लाएँ थोड़ा सा, उसको किसी पैन में रख के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और आधा चम्मच घी डाल दें और उसको थोड़ी देर पकाएं। जब वो एक लिक्विड की शक्ल में आ जाए तो उसको फिर ठंडा कर दें। ठंडे के बाद ये हमारा मावा तैयार हो गया। अब मैं इसको भी तकरीबन जो है 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा, फिर इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जनाब ये हमारी बर्फी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसकी आपको कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, जैसे भी बनाने हो। बिल्कुल रेडी हो गई है ये, तोड़ के भी दिखा देता हूँ। गाजर का हलवा बहुत खाया, मावा बर्फी खाए हैं आप। ये दूसरी वाली कटिंग कर दूँ, पहले मैं इसके किनारे काट देता हूँ। मावा बर्फी, गाजर मावा बर्फी, गाजर का हलवा खाना भूल गया। इस तरीके से बनाए, एकदम नरम, बिल्कुल नरम बनेंगे और बहुत ही आसानी से, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी अगर हम मेहनत कर लें तो साफ़ सुथरी चीज़ अपने घर में ही हम बना सकते हैं। और अगर मैं इसके खर्चे की बात करूं तो इसमें तकरीबन 450 रुपये का खर्चा हुआ है। वेट में ये दोनों तकरीबन बनी हैं 750 ग्राम, तो अगर 450 रुपये में हमें 750 ग्राम नई चीज़ खाने को मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। मावा बर्फी, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं। अगली रेसिपी तक के लिए अली राव फूड्स को इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।